अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदी जी का प्रणाम। मित्रों, अगर आप भी देवीय विधि से अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, कई सारे चक्र होते हैं हमारी, देखिए हमारी ज्योतिष विद्या के अंदर बहुत सारे सिस्टम है ऐसे अपने प्रश्नों का उत्तर भविष्य जानने के, इसी के अंतर्गत मैं आपको आज एक अद्भुत विधि बताने जा रहा हूं जो हिंदू समाज में बहुत प्रचलित है, कई लोग जानते हैं, लेकिन मुझे अचरज होता है कि बहुत बड़ा समुदाय है जो इस विधि को नहीं जानता। श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा विरचित है, उसके अंदर एक श्री रामशला का प्रश्नावली ऐसा करके उसके अंदर जो है एक विधान दिया गया है, बहुत बड़ा। इसके अंदर ब्रैकेट्स होते हैं, आड़ी लाइनें, खड़ी लाइनें, उसके अंदर बहुत अलग अलग अक्षर होते हैं। उसके अंदर रामशला का प्रश्नावली के अंतर्गत आपको अपने मन चाहे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अगर आपने पूरे तन्मयता से, पूरे भगवान की भक्ति भाव से, पूरे आनंद के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर घर बैठे मिल जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझिए, तो ये है तुलसीदास जी के द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस का श्री रामशला का प्रश्नावली। ये पूरा एक जो है ब्रैकेट इसके अंदर आता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसा कि इसमें दे रखा है, सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का आपको ध्यान करना है। इस रामशला का प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभिष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा कर लीजिए, शांत मन रखिए। सबसे जो है महत्वपूर्ण है वो आपका मन शांत होना चाहिए, भगवान की पूजा आप कर लें। कोई आपके और पाठ होते हो, नित्य पाठ होते हो, तो वो कंप्लीट कर लीजिए, भगवान की आरती कर लीजिए। भगवान का पूरे विश्वास के साथ ध्यान करके, भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके, उन पे विश्वास रखते हुए प्रभु से ये अपना प्रश्न पूछिए कि प्रभु, जैसे जैसे कोई विद्यार्थी और अपने परीक्षा में सफलता की उम्मीद करता है, सरकारी नौकरी किसी को चाहिए, सिंपल समझिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है, तो भगवान की इस प्रकार से पूजा उपासना करके कोई पाठ अपना नित्य पाठ करता है वो कर ले, उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके इसमें इस पूरी शलाका के अंदर कहीं भी किसी भी एक अक्षर पे अपना प्रश्न रख के अपने एक अक्षर पे अपनी अंगुली रख दे। जैसे यहां पर मैंने रख दिया तो ये र आया, ठीक है, ये र, तो उस र को सबसे पहले अपनी नोटबुक में कहीं पर स्थान पर लिख ले, ये र। अब करना क्या है, इस र के बाद, इस र को छोड़ के इसके आगे से नवा अक्षर जो भी होगा उसको वापस लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सु र आया उसके बाद सु, ठीक है। फिर इस सु के बाद फिर से नवा अक्षर, 1 2, सु को नहीं गिनना है पहले में, उससे आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे, फिर उसके आगे से नवा अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से नौ नौ अक्षर करते करते आगे से आगे जोड़ते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है इस तरह से, आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगातार नौ नौ अक्षर आप जोड़ते जाएंगे तो अंत में आप देखेंगे कि कोई चौपाई या कोई दोहा बन गया है। उस दोहे के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि ये उत्तर, ये प्रश्न जो है मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, कि ये काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सन्मु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ध, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ की मात्रा,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ हूं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, न एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, रु एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, न एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कु एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, बे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। और ये जहां से आपने शुरू किया था उसी पे आके ये समाप्त होगा। अब देखिए ये जो है कई सारे अक्षर हमने लिख दिए यहाँ पे, ये अब एक चौपाई बनी होगी या कोई ना कोई दोहा बना होगा। तो इसका पता कैसे चलेगा, पेज पलटिए। इस पेज के अंदर आपको यहाँ पे अब दिखाई देंगे कई सारी चौपाइयाँ। ठीक है, हमने जो लिखा था उसमें आ रहा है, सुरेश समीरा सन्मुख धरी काहुन धीरा वरुण कुबेर। ठीक है, अब ये आ गई है हमारी चौपाई, इसमें आपको दिख रही होगी। ये देखिए, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धरि काहुन धीरा। ये अब इसका अर्थ समझ लीजिए, यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। यानी रावण के मरने के बाद मंदोदरी जब रोती है तो उसमें यह चौपाई आई है, जो आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में आई है। फल इसका लिख रखा है, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। यानी जो भी आपने प्रश्न किया है उसका पूर्ण होने में संदेह है। अब इसको अपने दिल पे मत दगा लीजिएगा कि महाराज ने अभी यहां बताया कार्य पूर्ण होने में संदेह, ऐसा नहीं सोचने का है। आप अपने तरीके से कीजिए, ये तो अभी जो आया और मैंने इसको कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से करके आप अपने मन चाहे उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ आप करेंगे तो। ये विद्या कभी मैंने झूठी होती हुई नहीं देखी। अगर आप श्री राम जी के और हनुमान जी के भक्त हैं तो इस विद्या का प्रयोग आप कर सकते हैं। कार्य पूर्ण होने में संदेह है या पूर्ण होता है या ज्योतिषी से मिलना है नहीं मिला, वो बात की बातें हैं। कुल मिला के ये मैंने आपको एक छोटा सा विधि मैंने आपको बताई। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्ति आपको हो, ऐसी ही मंगल कामना मैं करता हूँ भगवान से, और प्रभु आपके सारे काम करें। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।